पकोड़ा होता है, ये पकोड़े में बीच बीच में चेंज करता है, कभी पालक का कभी कड़ी पत्ते का जो है, ये सब मिक्स करके मैं पकोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाता हूँ। बिकॉज मलाई टिंडा होता है, सोयाबीन मलाई टिंडा है आज, कभी ओनली अच्छा। मलाई टिंडा होता है अच्छा। आज ये देखिए टिंडे के साथ सोयाबीन भी डली हुई है, देखो सोयाबीन बिल्कुल मिक्स होता है। और जो इसकी ग्रेवी होती है ये काजू मगज से बनाई जाती है, और बोलते हैं इसको इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करने वाला चटनी है। इसमें क्या है? आंवला, धनिया, पुदीना, तुलसी तुलसी का पत्ता वगैरह। इसमें मैं बीच बीच में चेंजेस करता रहता हूँ मलाई कोफ्ते के अंदर। आज जो है ये घिया काजू का मिक्स कोफ्ता है, ये मलाई कोफ्ता। ये भी काफी मतलब डार्क ग्रेवी, और डार्क ग्रेवी है, पूरा काजू ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं इसके अंदर, किशमिश डला हुआ है इसके अंदर, काजू डला हुआ है, और इसमें पनीर का पूरा वो करके गार्निशिंग करके पनीर डाला हुआ है इसमें। मलाई टिंडा आपने कहीं नहीं सुना होगा, साथ ही साथ आपने जो नवरत्न पराठा है वो भी कहीं नहीं सुना होगा। कर दो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया। गर्मी बहुत ज्यादा, और क्या 1:30 बजे का टाइम है, जून का तपता महीना है, तो यार भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। आज हमें सेक्टर 15 फरीदाबाद में, और यहाँ पर हम एक वीडियो बनाने आए हैं उन लोगों के लिए जो कि खाना पसंद करते हैं कम रुपयों में, शुद्ध और अच्छा खाना यार। तो ये जो है, ये है सागर रेस्टोरेंट, सागर ग्रैंड रेस्टोरेंट। इनका रेस्टोरेंट खुद का था, लेकिन कोविड की मार की वजह से इन्हें फूड वैन में अपना ये रेस्टोरेंट चालू करना पड़ा। बात करेंगे इन सभी के साथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल दो मस्ताने। यहाँ पे हमें फूड वैन में खाना दिया जा रहा है जो कि 100% ना होम मेड है, और आप भीड़ देख रहे हो, इससे पता चल रहा है कि इनकी क्वालिटी और रेट कितना ही सही होगा। तो टेस्ट करेंगे और रिव्यू करेंगे। ये जो पकोड़ा होता है, ये पकोड़े में बीच बीच में चेंज करता है, कभी पालक का कभी कड़ी पत्ते का जो है, ये सब मिक्स करके मैं पकोड़ा डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में बनाता हूँ। बिकॉज 99% जो है यहाँ डेली का रूटीन वाले कस्टमर है, और इस कड़ी के अंदर जो आप खाएंगे बिल्कुल प्योरिटी कहते हैं, जो 100% अगर मार्केट में आप किसी सच्चाई पे विश्वास करते हैं, इससे सच्चा खाना और नहीं बचता। देखने में कड़ी काफी ना कड़ी हुई जो होती है वैसी लग रही है, बकायदा हींग का, देगी का, जीरे का तड़का, गार्लिक का, खुशबू बहुत अल्टीमेट आ रही है, इतना जबरदस्त होता है ना टेस्ट, अभी आप देखेंगे खाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये होता है मलाई टिंडा होता है, सोयाबीन मलाई टिंडा है आज, कभी ओनली मलाई टिंडा होता है आज। ये देखिए टिंडे के साथ सोयाबीन भी डली हुई है, देखो सोयाबीन बिल्कुल मिक्स होता है। और जो इसकी ग्रेवी होती है ये काजू मगज से बनाई जाती है, और बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। ये ठीक लग रही है, हाँ अभी ठीक लग रही है, और बहुत टेस्टी होता है। हाँ मलाई का, और इसमें पनीर भी डाला हुआ है। हाँ इसमें पनीर भी है, इसमें पनीर भी अपना वो कद्दूकस करके देखिए पनीर वो करके डाला हुआ है, तो टेस्टी होते हैं। और नेक्स्ट है ये अपना राजमा है, फेमस होता है राजमा, तो काफी लोगों के मतलब टेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है जो भी के खाते हैं ना, कहते हैं ऐसा राजमा हमने नहीं खाया कभी। वाह जी वाह। और तो ये जम्मू वाले राजमा है क्या? जम्मू वाले नहीं, ये थोड़ा स्पेशल ही राजमा मंगाता हूँ मैं अलग ही, तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका राजमा, जबरदस्त होता है। राजमा की क्वांटिटी काफी अच्छी लगी, काफी अच्छी है। ये अपना राइस प्योर बासमती राइस होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि घर का खाना खाते हैं, तो घर का मतलब है प्योरिटी होनी अच्छा, चाहिए। अच्छा, काफी खिले खिले राइस लग रहे हैं, अलग अलग एकदम पतला पतला, देखो ना एकदम इतना प्योर बासमती राइस है एकदम, तो खाने में बहुत। और ये हरी चटनी की क्या खासियत है? हरी चटनी जो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं इसको, इम्यूनिटी सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करने वाला चटनी है। अच्छा, इसमें क्या? इसमें आंवला, धनिया, पुदीना, तुलसी तुलसी का पत्ता वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज डालता हूँ, ये चटनी बहुत स्पेशल, बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आपने बोला 100% होममेड की गारंटी है, गारंटी है चीज की, 100% गारंटी, 100% 200%। ये मलाई कोफ्ता है, अच्छा इसमें भी मैं बीच बीच में चेंजेस करता रहता हूँ मलाई कोफ्ते के अंदर। आज जो है ये घिया काजू का मिक्स कोफ्ता है, ये मलाई कोफ्ता। ये भी काफी मतलब डार्क ग्रेवी, डार्क ग्रेवी है, ग्रेवी बहुत अच्छी बढ़िया बनती है, और इसके अंदर पूरा काजू ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं इसके अंदर, किशमिश डला हुआ है इसके अंदर, काजू डला हुआ है, और इसमें पनीर का पूरा वो करके गार्निशिंग करके पनीर डाला हुआ है इसमें। ली है ये पैकिंग है, ये 120 रुपए का, ये 120 रुपए का पैकिंग है, खाने वाले का 80 रुपीज का होता है। अच्छा, इसमें ये मलाई कोफ्ता है, ये शाही मलाई टिंडा है, कड़ी पकौड़ा है, राइस है, दो रोटी है, चटनी सलाद है। क्वालिटी देख लो कितनी अच्छी तरह से पैक किया हुआ है, हर एक अलग अलग स्लॉट्स हैं और बहुत अच्छे से पैकिंग की हुई है। आपको यहाँ बता देता है कि यहाँ क्या क्या आपको खाने को मिल जाएगा।
सबसे पहले देखते हैं राजमा राइस जो कि रेट है 60 रुपये प्लेट, कड़ी पकौड़ा राइस 60 रुपये, शाही पनीर राइस 80 रुपये प्लेट है यार, आलू गोभी 2 नवरत्न पराठे। अब नवरत्न पराठा क्या हुआ, ये जो है ये 9 तरह का जो आटा होता है उसका बना हुआ पराठा है यार, तो वो एक काफ़ी अलग चीज़ है यहाँ पर जो आप टेस्ट कर सकते हैं। साथ में शाही ओ वाह ये आपको दिखाते हैं यार, ये है 80 रुपये का, जिसके अंदर ये सोयाबीन मलाई टिंडा है, करी है, अच्छा ये सोयाबीन मलाई टिंडा है, मेरे पास मलाई कोफ्ता भी अभी वो भी लगाता हूँ आपको। थाली में 3 सब्जी होती है 80 में जो खाते हैं, अच्छा। अगर कोई दूसरी थाली में अगर सब्जी ऐड कराना चाहते हैं उसके अंदर 30 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो यार सागर भाई यहाँ पर बहुत ही सही किफायती और टेस्टी खाना दे रहे हैं, मलाई टिंडा आपने कहीं नहीं सुना होगा, साथ ही साथ आपने यार जो नवरत्न पराठा है वो भी कहीं नहीं सुना होगा, यहाँ के आप टेस्ट करते थे जो कि काफी कम रेट में आपको खाने को मिल जाएगा यार। टाइमिंग बता दो एक बार सागर भाई। मेरा सर होता है 12 बजे से 11:30 का टाइम होता है, मैं 12 लेके चलता हूँ, अच्छा 12 से 4:30 का टाइमिंग होता है, उस बीच में आप कस्टमर जो भी हर दिन, हाँ हर दिन, अच्छा पा सकते हैं 15 सेक्टर फरीदाबाद मेन मार्केट भाई, और सामने अगर आपको दिखा दे रोड के किनारे द बर्गर क्लब सामने क्लब, बगल में पुलिस चौकी है ये, अच्छा जी ये बगल में पुलिस चौकी और हनुमान मंदिर भी है, हनुमान मंदिर भी है। तो यार आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आप अगर यहाँ पर आते हैं और थाली लेते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये में, उसमें आपको देखो 3 सब्जियाँ तो मिली जाएंगी, साथ में 2 तवा रोटियाँ मिल जाएंगी, रोटियाँ भी अच्छा खासा साइज़ है, ये देख लीजिए कोई ऐसा नहीं छोटी सी कोई रोटी है पूड़ी के बराबर नहीं, वो नहीं अच्छा पराठा साइज़ का है, साथ ही साथ ये चावल आपको थोड़े मिल जाएंगे यार, तो 80 रुपये में मेरे को यार वर्थ इट लगी है। साथ में आपको यार पुदीने की चटनी खाने को मिल जाएगी, साथ में प्याज है, 10 रुपये का जो मिलता है वो यहाँ पर है रायता और वो भी बूंदी वाला यार। तो यहाँ पर टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको यार जो एक मेन अट्रैक्शन यहाँ का है ना, एक नहीं बल्कि 2 मैं बोलूँगा, यहाँ पर नवरत्न पराठा दिया जाता है। नवरत्न पराठा वो होता है बताया था आपको, जो कि 9 तरीके के जो आटा होता है उससे बनता है, साथ ही साथ यहाँ पर मिल रहा है यार मलाई वाले टिंडे, तो भाई वो एक देखने बनते हैं। सबसे पहले मैं टेस्ट आपको करके वो ही बताऊँगा यार कि वो कैसे हैं, यहाँ पर राजमा कढ़ी सब देख के ही बढ़िया मुँह में पानी आ रहा है यार, और ये जो यार टिंडे हैं इसमें इन्होंने यार चाप भी मिला रखा है, चाप मसाला, तो ये देख लीजिए ये जो टिंडे हैं, वैसे टिंडे पसंद नहीं है लेकिन यहाँ के टिंडे खा के देखते हैं कि कैसे आते हैं मज़ा। काफ़ी थिक ग्रेवी है, साथ में जो इन्हें मलाई वाली बात बोली है लग रहा है इसमें कि हाँ एक मलाई सा या फिर एक जो आप बोलते बटर टाइप वो इसमें कुछ मिल रखा है जो कि टेस्ट को काफ़ी अलग बना रहा है यार, तो आप ये जरूर, बिल्कुल भी नहीं यार ये वो वाले ही लग रहे हैं जो कि आप ना मम्मी बोलती है ना कि हाँ टिंडे बन रखे हैं तो आप वैसे ही मना कर देते हो, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर यार, मज़ा आ जाएगा टिंडे आपको यहाँ पर खा के। अब ज़रा देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं और राजमा देखते हैं यार, राजमा मेरा बहुत ही फेवरेट है यार, इसकी भी ग्रेवी अच्छी लग रही है, काफ़ी बड़ी काफ़ी थिक ग्रेवी है। भाई प्याज दे दो यार, राजमा भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार, बड़े बड़े राजमा हैं और ग्रेवी काफ़ी ठीक है, साथ ही साथ इसमें यार इन्होंने जो पुदीना वगैरह होता है ना धनिया वो इसमें मिला रखा है, और ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, एक बच्चा भी आराम से खा सकता है यार। अब ज़रा कढ़ी देख लेते हैं, पकौड़ा तो सही में काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, और इन्होंने जो बताया था यार पकौड़ा भी है ना रोज़ के रोज़ जब भी कढ़ी बनेगी तो ये बोलते हैं पकौड़ा चेंज करते हैं, कभी पकौड़े में आपको ये डाल देंगे लौकी, कभी दूसरी चीज़ है पालक, पालक का पकौड़ा बना देते हैं जो कढ़ी वाला होता है, ये देख लीजिए पकोड़ा, ये अलग कुछ इसमें क्या डल रखा है आज ये देख लीजिए अंदर, इसमें काफी कुछ डल रहा है धनिया वगैरह पालक सब। ये भी बहुत अल्टीमेट लग रहा है, बढ़िया मज़ा आ गया। इनसे टेस्ट के लिए जो मलाई कोफ्ता है वो भी ले गया था, इसकी ग्रेवी काफी शानदार लग रही है यार, इसकी काफी अच्छी लग रही है, ये देखिए ये चीज दमदार है यार, ये काफी टेस्टी है, और बूंदी वाले रायता की तो बात ही, उसकी तो बात ही अलग है, काफी ठंडा लगा, गर्मी बहुत ज्यादा है यार, वर्थ इट लगा तुम्हें बिल्कुल, एक नंबर है यार, 80 रुपये में भाई आपको ऐसा नहीं मिल सकता पूरे फरीदाबाद में, खा के काफ़ी अच्छा लगा है। एक्चुअली यार होता क्या है, देखो टेस्ट तो चाहिए होता है इंसान को, लेकिन साथ ही साथ यार ऐसी इकोनॉमी में अगर कम पैसे में आपको अच्छा खाना मिल जाए यार उससे अच्छी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है यार। तो यार अब आप बताइएगा आपको देखने में खाना कैसा लगा, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लियो बाय, टेक केयर, वॉच दो मस्ताने।